इतना ज्यादा रो रहा है ना इस टाइम पे क्योंकि कपड़ों में गंदगी का चूहा घुस गया। ये लेके खड़ी है, रो रही है, तरी खड़ी होके मम्मी को कह रही मम्मी मेरा चूहा निकाल दो, सब पे गुस्सा कर रही, फालतू का रो रही इतनी ज्यादा। इन्होंने पूरा घर अपने सिर पर उठा लिया, मेरे कपड़ों में चूहा घुस गया, चूहा घुस गया। मैं गंदगी हेल्प करने आई हूँ बट तो उन्होंने एक जैसी है, मैं खड़े होकर देख रही हूँ अगर वो बाहर निकले और गंदगी के कपड़ों के अंदर घुस गया। इतना ज्यादा रो रही, अभी ना उन्हें रिकॉर्ड नहीं करा कि फोन नहीं मिल रहा था, इतनी खड़ी होगी वहां पर रोई ना, मेरा उसकी पेट दुख गया और वो चूहा कपड़ों के अंदर ही है, कहीं कंधे से टच कर लिया इसलिए रो रही है। मैंने टच करने वाली थी, जो भी कह रही मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, हो जाएंगे, नहीं निकाल दूं सारे नए कपड़े चाहिए। ओह माय गॉड, शहजादी ना है, कपड़े धोना और पा लेना, धोने की भी जरूरत नहीं है, मम्मी धोएगी। यार अगर तूने अभी जाएगी ना, वो टॉप हटाएगी ना काले वाला, उसके नीचे है वो, मम्मी मैं कसम खा के बता रही, वो आए मैं इतना रोई ना पागल की तरह, मुझे समझ नहीं आया क्यों रोई। अभी नहा के आई है और नहाई नहीं मैं तो ना, मैं नहाने तो पागल है, मैं नहाने जा रही थी, मैं कपड़े लेने गई थी कि मैं नहाऊंगी कपड़े चेंज करूंगी, मैं तो नहा ली, मैंने कपड़े क्यों ही लिए होंगे भगवान। गाइस वो इस वाले काले वाले टॉप के नीचे आ गंदी ने सारा सामान उसके ऊपर फेंक रखा था, क्यों निकल जाए। और वो गाइस ने लेकिन नाम ही नहीं रहा, कुछ हिल भी नहीं रहा, मम्मी ये निकल गया। बट हम दोनों के हिसाब से वो नहीं निकला, मम्मी इंडिया में बताने की से बात करी, मुझे पैर पर कुछ वियर्ड फील हो रहा है, बेड तक गिरेगा, मेरे बेड के बगल में ही है वो और वो एकदम टॉप मार लेगा वहां से, वहां इतनी ऊपर इतनी हाइट पता नहीं कैसे चढ़ गया, लाइक इतनी मैक्सिमम हाइट है वो, पता नहीं कैसे चढ़ गया इतनी से हाइट पे ड्रॉर के चुहे कितने गंद। और मेरा बेड लाइक उसके बिल्कुल नेक्स्ट टू है और मेरे बेड पे ही कूद देगा जाके यार रात को, मैं अकेली सोती हूँ ना, इनको देख लो पता नहीं कपड़े ही हैं, दूर जाएंगे वो नहीं यार, वो अगर अंदर नहीं मैं तो गर्मी के भी कपड़े देख के मैं बहुत बड़ी कूद के मन्नू के कपड़ों में घुस जाता मेरे में, क्यों आया नहीं, मेरे तो सेफ है। सो गाइस अभी बेसिकली हो रहा है दिन, पर बाहर देखो तो अभी बाहर हो रहा है थोड़ा सा अंधेरा, देख के आप कह नहीं सकते कि दोपहर हो रही है, पर हाँ जी दोपहर हो रही है। और आज मेरा टास्क है कि मुझे दाल बनानी है, हाँ तो आई मेक दाल टुडे, ये गाइस तो मैं दाल बनाऊंगी क्योंकि मेरे घर में मेरे को बोला जाता है कि कुछ काम नहीं करती है, ये है वो है फलाना है, बल्कि मैं मेरा पूरा दिन सिस्टमेटिक रखती हूँ बेड पे सो के तो इसलिए ऐसा मेरे को ताने देते रहते हैं, सुनाते रहते हैं, तो उससे बचने के लिए आज का दिन सिर्फ बचने के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना दाल बनाई जाए। और आज को लंच होगा मेन पॉइंट। सो गाइस फाइनली माय दाल एंड माय चावल इज रेडी और मेरी चाय का भी इन्होंने मेरे को चाय बनाने का भी इन्होंने ठेका दे दिया है, तो मेरी मासूमियत का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है कोई बात नहीं, तो अभी मैंने चाय बना ली एंड यस दैट्स द अपडेट फॉर नाउ। सो यस एंड मैं आपको एक ज्ञान पेलना चाहती हूँ, गाइज लाइफ इज वन, यू लिव वंस, ओके जस्ट डू व्हाट योर हार्ट सेज, जस्ट डू दैट, फर्क नहीं पड़ना चाहिए कोई क्या बोलता है कोई क्या नहीं, जस्ट लिव द वे यू वॉन्ट मैन। तो यस बी पॉजिटिव लाइक मी, सो बी पॉजिटिव एंड लिव योर लाइफ दैट यू वॉन्ट, ज्ञान बोल देता पहले पता नहीं क्यों पहला, पर चलो कोई बात नहीं, कह दिया तो कह दिया, अब बस हो गया, तो मिलता हूँ। सो गाइज वी आर डन विद द शूट, जो हमने चैलेंज शूट करा है बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। और सिमर हमारा इतना प्यारा भाई है, वो हमारे लिए काट रहा है वाटरमेलन, थैंक यू। हमारा भाई हमारा बहुत ध्यान रखता है और हम हमें सब कुछ देता है, और क्योंकि हमारा भाई क्योंकि भाई हमारा बहुत ज़्यादा प्यारा है तो हमारी बहुत ज़्यादा केयर करता है। और हमने बहुत दिनों बाद अपनी रिंग लाइट बाहर निकाल ली, बहुत दिनों बाद नहीं इंस्टाग्राम भी निकाल ली, बट यूट्यूब के लिए बहुत दिनों बाद निकाल ली हमने। अरे ये मैडम जी मेरे को कह रही कमरा साफ करो, खुद एक घंटा बाथरूम में लगा, मेरा अंदर कमरा साफ करके आई, ठीक है ना, अभी से कमरे को तू साफ कर, जो हार्ड वाला कैमरा तो मुझे दे दिया और जो इजी वाला खुद ने ले लिया। अच्छा मेकअप समेट, वो मेकअप करी, वो ट्राइपॉड समेटो, फिर तू समेट ट्राइपॉड, नहीं ट्राइपॉड समेटने के अलावा और है क्या क्या तू समेट, मैं सारा कुछ समेट दूंगी।
मैं ट्रैप पर समझ रही, आप सारे को समझ दो, फिर कुछ बचाई नहीं। तो हमारी ऐसी लड़ाई होती है, हम सामान भी नहीं इकट्ठा कर सकते। तो अभी हम अपने करते हैं बेड़ी ड्रेस डाउन होते हैं, क्योंकि हम इतना ड्रेस अप में नहीं रह सकते। तो मैं दूसरे अपने कम्फी वाले कपड़े पाती हूँ और फिर मिलते हैं आपको। तो गाइज अभी थोड़ी लाइट आपको डल लग रही होगी, क्योंकि ये सब कॉल इट इज डल, क्योंकि रिंग लाइट वगैरह हमने हटा दिया अब। एंड अभी कपड़े मैंने चेंज कर लिए हैं, सब कुछ कर लिया, बस ऊपर वाला टॉप ही चेंज नहीं है, क्योंकि इससे जो गर्माहट मिल सकती है और वो किसी चीज में से नहीं मिल सकती, और जिससे मिल सकती थी वो मम्मी ने पा रखा है। सो लाइफ इज डाउन डाउन डाउन। अगर मम्मी ने ये छोड़ देना गलती से भी, बस मतलब ना हम ना ऐसे बोल के नहीं लेते कि मम्मी मुझे जैकेट चाहिए जो आपने पा रखी। अगर ना गलती से मम्मी ने उतार के रख दी मैच, फिर मम्मी ने रात को रख दी, तो सुबह मैं आपस आ रही थी। पर मम्मी इतनी स्मार्ट है ना कि मम्मी अपने साथ लेके सोती है उसे। फिर मम्मी ऐसे क्या बोलते हैं इसको, मम्मी ऐसे इंटेंशनली तो नहीं लेके सोती, पर ऐसे मम्मी सोती है तो फिर मेरे को मौका नहीं मिलता, मौका चूक जाता है मेरे हाथ से। मम्मी ऐसे बोलती है, हाँ पाली आज तो ऐसे बोलती है। फिर मैं निकाल के नहीं देती, फिर मम्मी कुछ और ढूंढ लेती है अपने लिए। तो पीछे पड़ जाती है इन दोनों की, मैं लगूं, मैं किसी कपड़े नहीं बात, मैं खुद के कपड़े। हाँ बहुत अच्छे। तो पापा के कपड़े बहुत पाती हूँ, बहुत ज्यादा। पापा की जैकेट पड़ी हो, मैं जैकेट पा लेती हूँ। पापा का कुछ ऊपर का ऐसी जंपर कपड़ा हूँ, वो पा लेती हूँ। पर पापा के कपड़ों में कंफर्टेबल फील होता है मेरे को, खुले खुले से। तो हाँ जी, अभी मेरे को बहुत वीक वीक सा फील हो रहा, तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। गाइस अभी खाना वाना खाएंगे, पापा आएंगे। यस, सिमर ने अपनी पेशकशा है जो बहुत अच्छे से सजाई है। रियली मैंने पहले अच्छे से कर दी, मगर खा लिया, एक खाया मैंने, एक खा लिया और एक मैंने खा लिया, तो और मैंने चुपचाप मैंने इसका पीस मुझे टच नहीं करी। बट मेरे को कहता है मेरे को कहता है गंदे कितना खाते हो आप, कितना क्यूट है ये देखो छोटू सा, बिल्कुल मेरी तरह। मम्मी हमें सुना के गई कि क्या है, और मैं और सिमर दोबारा अपनी जगह, मैं सिमर दोबारा अपनी जगह पे जाके बैठ गए, और उसके बाद हमारे गद्दे के बिल्कुल बगल में आके बैठ गए। और 11 बज रहे हैं इस टाइम पे, आई वी डोंट नो क्या करना है अभी। मैं हम मनु ये पड़ी बीच में, सिमर वो रहा, प्लान है मेरा और सिमर का पूरी रात जाग नहीं सकते अभी हमें पता। मैं तो ऐसी बैठी 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 जाऊँगा, मैं नहीं सो सकती भाई साहब, चूहा मेरे ऊपर चढ़ गया तो मैं यार। अपडेट यही है अभी, और जैसे एकदम से कोई अपडेट होता है विल लेट यू गाइस नो अबाउट इट। मनु तो सो गई यार, कैसे सो सकता है कोई बंदा। सो गाइस आज के ब्लॉग के लिए इतना ही था, और मैंने अपने सुने बहुत ज़्यादा तेल लगवा लिया मम्मी से और चोटी करवा ली, क्योंकि ऐसे ही सुकून सा मिलता है मेरे को, एकदम शांति सी। तो यस, और आज के ब्लॉग के लिए इतना ही था गाइज, वी होप कि आपको अच्छा लगा होगा। और बताना कि अगर चूहा हो घर में तो क्या करना चाहिए। तो हाँ जी, आज के व्लॉग के लिए इतना ही, यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन आ जाएगा, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। होप यू गाइस एंजॉय दिस व्लॉग, सी यू गाइस लेटर, बाय बाय। और मैं खाना बनाऊंगी दोबारा से, क्योंकि रात बहुत ज्यादा हो चुकी है। सो यस, डिनर टाइम नाउ, बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय।